हेलो गाइस, मैं हूं आनंद। स्वागत है आपका आनंद की फैमिली में। और अभी अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। गाइस गुड मॉर्निंग। तो गाइस, अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अभी हमें एक दुकान है परचून की, वहां पे जो है निरमा साबुन वगैरह जो भी घर का सामान होता है वो लेने के लिए जा रहे हैं। और आरुष भी मेरे साथ में जा रहा है। और धीरे धीरे अभी हमने निरमा और साबुन ले लिया है, साबुन लिया है हमने डिटॉल, और आरुष ने टॉफियाँ ले ली हैं। आरुष को टॉफ़ी बहुत पसंद है, तो यहाँ पे दुकान पे आरुष साथ में इसीलिए आता है क्योंकि उसको कोई ना कोई चीज़ खाने को मिल जाती है, जैसे टॉफ़ी वगैरह, बिस्किट वगैरह। उनसे टॉफ़ी ले दिखाओ। और ये देखिए, यहाँ पे आरुष ने चॉकलेट वाली ढेर सारी टॉफ़ी ले ली है ना। सामने देखिए नहर दिख रही है जिसकी पुलियाँ आपको दिख रही होगी। और नहर में पानी देखिए आधा आधा चल रहा है, इधर भी अभी बीच में सूख गई थी। तो आरुष दौड़ के बहुत आगे निकल गया है। यहाँ पे किचन में जो है खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे बन रहा है साग, तो अभी ये बन जाएगा तो खाते हैं। मैं जो साग है ना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। गांव में जो है साग रोटी ज़्यादातर लोगों के यहाँ बनता है, क्योंकि लोग हर घर में, हर व्यक्ति के घर में जो है खेतों में साग होता ही होता है। क्या कर रहे हो? टमाटर बना रहे हैं। तो आरुष की पेंसिल जो है इतनी छोटी हो गई है। कलर वाली जो पेंटिंग बनाई थी आर्ट वाली बुक पे, वो कहाँ है? दिखाओगे ना बाद में? अभी दिखा देंगे। अभी दिखा दोगे? और सुनो, आर्ट बनाना कैसा लगता है बताओ? अच्छा लगता ना? हमने बनाया था, हमने थोड़ा रंग करा है, ये हमने पूरा बनाया था और रंग करा मैंने, और ये तुमने बनाया था, मैंने रंग करा है, और ये नाजनी ने रंग करा है। तो आरुष ये बता रहा है सब कुछ, कौन किसने बनाया है। और ये अंगूर तो आरुष ने खुद अपने हाथों से बनाया है, ये आँख हमने बनाई है, आम भी हमने बनाया है, लेकिन कलर आरुष ने किया है ना। तो आरुष अभी ये केला खाने जा रहा है। अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है, क्यों? ऐसे कैसे पता चलेगा? मुंह में जाएगा तभी तो पता चलेगा। गजब बेइज्जती है। चलो अब तो खा लिया, आप बताओ कैसा है। तो हमारे यहाँ साग जो है कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। पहले इसको उबाल लिया था, उबालने के बाद में इसमें तेल डाला, मिर्चा डाला, मिर्चा डालने के बाद में इसमें जो है नमक वगैरह डाल के और इस तरीके से भुन जाएगा, तब इसको निकाल लेंगे और खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और अभी देखिए बाहर राधिका साइकिल चला रही है, अभी सीख ही रही है। राधिका कैंची चला, और ये राधिका कैंची चलाने लग गई। तो अब जब हम छोटे थे साइकिल सीखे थे तो हम भी ऐसे कैंची चलाया करते थे। गाइस अभी हम नहा धो के रेडी हो गए और हमारा खाना भी आ गया है। हमारा खाना ये हरी सब्जी जो कि साग है, और ये है मूली, और ये है रोटी जो कि हमारी बहुत ही बेस्ट लग रही है। देखिए इसमें घी लगा के, तो रोटी के साथ में घी और घी के साथ में साग, तो उसका आनंद लेते हैं, फिर चलते हैं दुकान पे। और आरुष जो है खाना नहीं खा रहा, तो वो सेवैयाँ खा रहा है, तो अभी बनी है सेवैयाँ। तो आरुष जो है सेवैयाँ का आनंद ले रहा है। कैसी लग रही है? तुम्हारे ही नाम पे आनंद। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरा नाम आनंद है। अच्छा, अच्छी लग रही है। तो गाइस हम आ गए हैं शॉप पे, तो फाइनली आज संडे था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गए हम दुकान पे आने से। तो अभी हम थोड़ा बहुत काम धाम निपटा लेते हैं, देखते हैं कि आज क्या क्या कर पाते हैं। और तो मैं जैसे ही दुकान पे आया, और ये सोयब जो है दुकान इसने खोली थी, तो ये कह रहा है कि नेट नहीं चल रहा था, जैसे ही मैं आया तो वाईफाई नेट चलने लग गया है। A few moments later. तो गाइज अभी हम आ गए हैं दुकान से घर पे, बिकॉज अभी 2 बज रहा है और हमें भूख भी लग गई थी। अभी हम बनाने जा रहे हैं मैगी, क्योंकि हमारा मैगी खाने का मन है, और आरुष भी कह रहा था कि हम मैगी खाएंगे। हम आ गए हैं किचन में और आरुष भी देखिए आ गया है। तो अभी हम ये मैगी जो है बनाने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पे ले लिया है ये भगोना, तो अभी हम मैगी को इसमें निकाल लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं पहला, है ना। और ये जो मसाला होता है ना, ये इसका स्वाद बहुत मस्त होता है। तो फिलहाल हम एक ही बनाते हैं, एक ही बनाया है ना? दो बना। चलो दोनों बना लेते हैं, क्योंकि आरुष भी खाएगा और हम भी खाएंगे। हमको भी मैगी बहुत पसंद है, आरुष को भी बहुत पसंद है। हम बनाएंगे
कि बिल्कुल सिंपल वाली मैगी, मतलब पानी उबालेंगे और जब पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें मैगी डाल देंगे और मैगी में मसाला, मैगी मसाला डाल देंगे और हमारी मैगी जो है बन के तैयार हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि 2 मिनट में मैगी बनती है। जो मतलब उसमें ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं डालना, अलग से कुछ नहीं डालेंगे, बस जो भी उसके साथ में मिलता है बस उसी को उसमें मिक्स करके बस बना लेंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि हमें वही बेस्ट लगता है, हमें खाने में भी वो अच्छा लगता है। तो आरुष ने भी मैगी डाल दी है और हमने भी इसमें मैगी डाल दी है। अब इसको हल्के से चला लेंगे। तो मैगी हमारी उबल चुकी है, अब बारी है मसाले डालने की। तो ये मसाले जो है हम इसमें डाल देंगे। गाइस फाइनली हमारी मैगी रेडी हो गई है और ये देखिए हमने प्लेट में निकाल भी ली है और इसको खाते हैं आरुष के साथ में। तो आरुष ने अपने आप से जो है मैगी अपने उसमें प्लेट में निकाल ली है। तो अभी आरुष खा के बताएगा कि कैसी लग रही है। तो कैसी लग रही है आपकी फेवरेट मैगी? तो अभी मैगी खाना पीना हो गया है, तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाली है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।